हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ के साथ हम सब भी ठीक है। तो आज की मेरी व्लॉग दोपहर की कुकिंग के स्टार्ट होगी। तो मैंने आज बनाया है सब्जी। सब्जी में मैंने पहले डाला है सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा यूज़ किया मैंने, थोड़ा सा साबुत जीरा और प्याज। इनको अच्छे से भून लेंगे। जब तक प्याज भूनता है सब्जी के लिए, तब तक मैं दाल के लिए तड़का लगा लूँगी। तो दाल में आज मैं तड़का के लिए ऐड कर रही हूँ घी, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ दाल फ्राई। तो सब्जी के लिए जो मैंने प्याज फ्राई किया था, तो उसमें मैंने डाला है हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। इस तरफ मसाला भूनने देते, तब तक मैं दाल के लिए, हमारा जो घी गरम हो गया इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून साबुत जीरा, थोड़ा सा हींग, एक सूखी मिर्च और थोड़ा सा प्याज। तो प्याज को थोड़ा सा लाल कर लूँगी मैं। तो ये जब तक प्याज लाल होता है, तब तक मैं सब्ज़ी इसमें ऐड कर दूँगी। तो कल जो मैंने सब्ज़ी दिखाया था, मेरे हस्बैंड ने लाया था, तो वही सब्ज़ी मैं आलू के साथ बना रही हूँ। तो अभी उस स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सब्ज़ी को सिम में ही पकाएंगे और एकदम पानी ऐड नहीं करेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और एक दो बार बीच में सेक कर लेंगे। तो दाल में हम लोग अभी मैं डालूंगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, दाल को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और दाल बॉईल करने के टाइम मैंने थोड़ा सा हल्दी दे लिया था, तो इसलिए मैं अभी हल्दी ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ही ऐड करूंगी अभी। और उसके बाद दो मीडियम साइज़ टमाटर, और टमाटर को अच्छे से गलने देंगे। एकदम सिंपल है और बहुत यम्मी बनता है। थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और ये दाल हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, तो मैंने इसमें 3 से 4 सीटी लगा लिया था। तो इसको मैंने डाल लिया है मूंग दाल, मसूर दाल और चना दाल। तो तीन दालों को आधा घंटा पहले भिगो के थोड़ा सा हल्दी डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैं अभी इस दाल को ऐड करूँगी, क्योंकि हमारा टमाटर गल गया है। और इसको अच्छे से उबल आने देंगे, पर उबल आने से देने से पहले मैं थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला ऐड करूँगी, गरम मसाला पाउडर। और थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने के लिए धनिया पत्ता डाल देंगे। तो अभी मैं करने जा रही हूँ जो कल लेके आए थे पुदीना और धनिया, तो उसका मैं चटनी बनाने वाली हूँ। तो पुदीना को क्लीन कर लूँगी, जो नॉर्मल चटनी बनता है वही पुदीना और थोड़ा सा धनिया लूँगी, और उसमें नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा इमली का पल्प और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ और मिर्ची, बस उतना ही उसको चटनी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी देख रही थी टाइम कितना हुआ है, तो टाइम हो रहा है 2:15 दोपहर के। हम लोग देर से ही खाना खाते हैं, 2:30 बजे तक खा लेते हैं, कभी कभार 2 बजे खा लेते हैं, पर ज़्यादातर हम लोग 2:30 बजे तक खा लेते हैं। तो ये लोग डोरेमोन देख रहे थे, तो ये डोरेमोन देख रहे हैं दोनों। आज के हमारे दोपहर के खाने में है स्टीम राइस, दाल फ्राई, सब्जी और पुदीने और धनिया की चटनी। तो मैं अभी इन दोनों को खाना खिला रही हूँ दोपहर के, टीवी देख रहे हैं इन दोनों। तो मैंने आयान बोल रहा था कि मुझे भी खिला दो, तो मैंने सोचा ठीक है दोनों को साथ में ही खिला देती हूँ। इनायत थोड़ा नाटक करती है खाने के टाइम,
तो मैंने बोला है लॉलीपॉप दूंगी, तभी वो खाना खा रही है। इससे ज़्यादा तो ये पानी ज़्यादा पीती है। तो अभी हो रहे हैं शाम के 5:45। तो अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं शाम के वक्त भी एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, तो वही कर रही हूँ। और आयन ऐसे ही बैठा हुआ है और इनाया गेट के पास खेल रही है, आप लोग देख सकते हैं। और ये इनका काम स्टार्ट हो गया तो ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आयन ऐसे ही बैठा हुआ है, टीवी ऑफ है, टीवी नहीं देख रहा है। मगरिब का टाइम है तो टीवी ऑफ ही रहता है, मगरिब के बाद ही टीवी ऑन होता है, पर हम लोग ऑन नहीं करते क्योंकि मगरिब के बाद तो हमें बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। तो ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम, ये दोनों खेलने में बिजी है। झगड़ा कर रहे हैं देखिए दोनों। ये देखिए कैसा मुंह बना रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:45। तो इनको चाहिए मूंगफली सबाने के लिए। मैं इनको छिलके दे रही हूँ मूंगफली। एक साइड में इनाया है, एक साइड ये, और आयन को इतना पसंद नहीं है। देखिए इनाया क्या कर रही है, आयन को बुला रही हूँ पर वो बोल रहा है नहीं चाहिए मम्मी, इसको पसंद नहीं है। देखिए आप लोग, इसने दो दो हेयर बैंड लगाया है अपने बालों में। कम खा रहे हैं बादाम, क्योंकि लाइफ में आजकल कुछ मिलता नहीं, सिर्फ बादाम मिलता है। आप भी खाइए। क्या कलर है ये क्या कलर है ये पिंक ये ग्रीन ये ब्लू ये पिंक ये ब्लैक ये क्या है
तो इन्होंने अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है, तो ये जा रहे हैं अंडा लेने के लिए, क्योंकि रात में चाहिए बच्चों को देने के लिए डिनर में, क्योंकि आज नॉन वेज कुछ भी नहीं है। दोपहर में भी सब्ज़ी के साथ ही खाया था, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है अंडा दे देती हूँ। बारिश पड़ रही है अभी थोड़ा थोड़ा, कल तो पूरी जम के बारिश हुई थी पूरा सुबह से लेकर रात तक, आज भी बारिश होगी। जल्दी जाके जल्दी आओ। तो यहाँ पे आयान कुछ बना रहा है, क्या बना रहे हो आयान? एरोप्लेन ब्लॉक्स के साथ कुछ ना कुछ ये बनाता रहता है। मैं पजल मास्टर हूँ। मैं यहाँ पे धो रही हूँ शाम के वक्त के जो हमने चाय और नाश्ता किया था वो, तो उसका बर्तन है थोड़ा सा, तो वो धो रही हूँ क्योंकि मैं तब नहीं धोती हूँ, तब चाय पीने के बाद बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, तो इसलिए 8:30-9 o'clock ऐसे धो लेती हूँ, या फिर 8 बजे भी कभी कभार जल्दी हो जाता है तो धो लेती हूँ। तो अभी हो रहे 8:30 रात के, तो यहाँ से कुछ पूछ रही थी नया, तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया हमारा घर रेंटेड हाउस है, तो इसलिए बहुत छोटा छोटा है रूम सब, किचन भी बहुत छोटा है और जो हॉल है वो भी छोटा है, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है तो बेडरूम है, पर ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम हमारे रहने के लिए हमारे ऊपर छत तो है, क्योंकि किसी किसी के तो वो भी नहीं है नसीब में, तो इसलिए अल्लाह ने हमें जितना भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिया है और हम लोग खुश है, सही सलामत है, बस वही काफ़ी है। और जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ना वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं पास में जो नेबर्स है, और बहुत फ्रेंडली है और मतलब बहुत साइलेंट है एरिया मतलब, और हमारा ओनर भी बहुत अच्छा है, हमारे ऊपर ही रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में, हम लोग रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में, और हमारे साथ और एक फैमिली है वो लोग भी फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, और पास में जो लोग रहते हैं आस पड़ोस वाले वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ हम लोग इतना बात नहीं करते फिर भी अच्छा है, देखते तो स्माइल करते हैं कम से कम। तो आप लोग सोच रही है मैंने क्या किया, बर्तन धोने के बाद मैंने अपने फेस पैक लगा लिया है, अगर आप लोगों का इसका मतलब वीडियो मैंने क्या क्या यूज़ किया है इस फेस पैक में अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे दूसरे चैनल में है, मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कल मेरे पति ने जो दिखाया था मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो लगाने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और साइड में जो कप का दिख रहा है वो मैंने बहुत पहले ही बनाया था, और फ्रीज मैग्नेट भी मैंने ही बनाया है, आप चाहे तो मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने कोई भी मतलब कील नहीं लगाया है, ऐसे जो मास्किंग टेप आता है ना उसको डबल साइड टेप बना के मैंने वॉल पर चिपका दिया है ताकि बाद में निकालने में आसानी हो, सबको मैंने ऐसे ही लगाया है, सिर्फ ये जो आप दिख रहे हैं ना जो हाँ दिस किचन इज सीजन विथ लव, सिर्फ उसमें ही कील है, और वो भी पहले से ही है, जब हम घर में आए थे ना तब से ही है,
बाकियों मैंने सब में मैंने सेलो टेप लगा दिया है। तो यहाँ पे इना खेलते खेलते सो गई है, टेडी को पकड़ कर ही सोती है वो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रात के बज रहे हैं 12:30 और इनका काम हो रहा है 1:30 तक होता है इनका काम। और ये अयान देखिए इतने रात को भी खेल रहा है। मैं बोल रही हूँ सो जाओ, मॉर्निंग में क्लास है, पर वो बोल रहे हैं मैं भी 5 मिनट्स। तो आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नया व्लॉग के साथ। और अगर आप लोग को हमारा व्लॉग्स पसंद आ रहा है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, गुड नाइट।